काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि मैं अपने पापा शो नहीं करता हूँ, व्लॉग्स के अंदर दिखाता ही नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरे को ना हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। इतने दिनों बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ मैं। कितने दिन हो गए? दो, एक महीना होने वाला है। मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला। सो हे गाइस, इट्स मी जोरो सिंगल सेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ अपने घर पे। बस कुछ रीजन की वजह से मेरी यूट्यूब वीडियो नहीं आ रही थी पीछे, क्योंकि मेरे फेस पे हो गया थोड़े से पिंपल, थोड़े मतलब ज्यादा ही हो गए थे। अब तो बहुत कम हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना लेता हूँ आज वीडियो। और अभी मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। अभी जस्ट मैंने कैमरा स्टार्ट करा और मैं सिर्फ बोल ही जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि आज हमने करना क्या है। तो सबसे पहली चीज, ये न्यू ईयर का मेरा सबसे पहला व्लॉग होगा। तो आई नो ये बहुत ज्यादा लेट है, बट हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। इस साल खूब तरक्की करो, खूब चीजें करो, अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो, पैसा कमाओ और सिर्फ मौज काटो। और कोई हाँ, वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये तू भी यही कह रहे ना। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी का ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतना बड़ा हो गया। जब इसको हम लेकर आए थे, इस टेबल पे रखा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, अभी मैंने जस्ट चेक करा है, मेरे 100 सब्सक्राइबर रहते हैं। और फॉर श्योर इस वीडियो के बाद 100 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, फिर हो जाएंगे 3,50,000 सब्सक्राइबर मेरे। और जैसे कि मैंने थोड़े एक दो व्लॉग्स पहले मैंने बोला था कि मैं गिव अवे करूंगा उस समय हुडीज का। तो आपको कौन सी हुडीज चाहिए, H&M की, ज़ारा की, या लोकल हुडी, बता देना मेरे को। H&M की मैं दे सकता हूँ, इतना मेरा बजट है, मतलब इतना तुम्हारे भाई के जेब में है कि H&M की हुडीज दे दूंगा मैं आप लोगों को। और कितने मतलब कितने लोगों को दो ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। तो नीचे कमेंट करना कितने लोगों को दो, 5 या 10 लोगों को, ऐसे ऐसे रखते हैं। तो इस वीडियो के बाद मतलब वो वाली वीडियो आएगी, हुडीज गिव अवे की वीडियो आएगी इसके बाद। काफ़ी लोगों को मेरी हुडीज पसंद आती है, तो मैं अपनी कलेक्शन से आप लोगों को गिफ्ट करूंगा और आपके घर पे आ जाएगी। एंड आपको 1 रुपये किसी को देने पड़ेंगे एंड बस आपके घर पे पार्सल हो जाएगी। आज का सीन बताता हूँ आपको मैं। आज वैसे कोई ऐसा खास सीन नहीं है यार मेरे को ना। जब तक कोई ट्रिप ना मिले या कोई कंटेंट मतलब लग ना रहा हो ना इसके अंदर कुछ बात है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कॉन्टेंट को लेके। पता नहीं क्या बोलना चाहता है, इसकी बात नहीं समझ आ रही मेरे को। क्या हुआ है, जाओ उस रूम में चल जा। उसके बाद जिम चलते हैं और आज हमने करना है बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको मैं बाइसेप ट्राइसेप का अपना वर्कआउट बताऊं कि मैं आजकल क्या कर रहा हूं, आप भी वो ट्राई करोगे तो। और छोटी मोटी चीजें पर आते ही रहता हूं, आपको पता, सीखते रहोगे। तो वीडियो कहीं से स्किप मत करना, बहुत सारी मस्ती भी करेंगे हम। तो लेट्स गो। तो गाइस रेडी शेडी हो चुके हैं और मील से 20 मिनट पहले मैं हमेशा ये टैबलेट कंज्यूम करता हूँ। प्योर न्यूट्रिशन की एप्पल साइडर विनेगर की एक टैबलेट पानी के साथ कंज्यूम करता हूँ ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो और इससे बेहतर हो। गाइस ये प्रोडक्ट डिटॉक्सिफाई करता है और आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और गाइस आपकी वेट लॉस जर्नी में भी ये बहुत हेल्प करेगा। गाइस इसके अंदर नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका मतलब नो हार्श केमिकल्स, नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स एंड नो एडेड शुगर। प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ जाके बाय करो। एंड अभी एक लेते हैं टैबलेट इसकी, फिर चलते हैं। आजा, थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, बड़ा गंदा लग रहा सामान पड़ा है। चलो लेट्स गो। और याद से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना जिसको भी ये बाय करना होगा। बाद में मत बोलना आपने लिंक नहीं दिया इसका मुझे। जाओ चलो। सो फाइनली गाइस रेडी शेडी हो गए हैं। ये हमारा गाड़ी में झिल, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है। हाँ बारिश भी हो रही है दिल्ली में थोड़ी। ये देखो बारिश हुई है अभी गाइस। देखो कल को तुम बोलो हवाबाजी करते है, गाड़ी में जम जाता है। क्या चिकन सैंडविच खाना है? एक चीज खिलाए खाऊं? एक चीज खिलाऊं? पापे खाओगे आंड भात खाओगे मेरा। सो गाइस फाइनली बहुत दिनों बाद जिम के अंदर व्लॉग कर रहे हैं। और पीछे बताया मैंने क्या हो गया था, बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। एक भी तो मैंने इंस्टा पे एक रील भी डाली थी, वो मेरा मतलब ये था कि जिनके उसका मोटिव ये था रील का कि जो बहुत डीमोटिवेट रहते हैं कि मेरे बहुत ज्यादा पिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, सबके होते हैं, मेरे खुद के भी इतने पिंपल आते हैं और अपने आप चले जाते हैं और अब एकदम लाइट हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये पिंपल वाली बात साइड रख के, और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि मैं अपने पापा शो नहीं करता हूँ, व्लॉग्स के अंदर दिखाता ही नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं।
तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ, उनको बहुत शौक है वीडियोस के आने का, बट वो कहते हैं कि एकदम प्रोफेशनल चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, जो मेरा कैमरामैन आता घर पे अभी भाई, उनसे मेरे पापा ने वीडियो बनवाई थी और इनकी एक्टिंग देखना इसके अंदर, और वो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। वो वीडियो मैं ऐसे चला रहा हूँ, देखो। तो आप लोगों ने देख ली, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कैसे रहे मतलब मेरे पापा की एक्टिंग और स्किल्स। एंड ये एक छोटा सा इंट्रो था कि आपको सिर्फ देखना था मेरे पापा कौन है, तो देख लो। अब मैं बनाऊंगा उनके साथ अच्छे से व्लॉग, जो कि बनेगा मेरे वो वाले घर पे, जो मेरे को जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है मेरा एक भिवाड़ी में भी घर है, वहाँ पे हम बनाएंगे अच्छे से वो वीडियो पापा के साथ। मुझे बुरा भरा मत बोलना कि मैं नहीं उनको दिखाता हूँ, वो खुद नहीं आते थे, वो कहते थे वीडियो बनेगी तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तुम्हारे भाई ने ना गोल्ड जिम में ना फीस दे दी थी, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कैमरे से वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब फीस पकड़ा रहे थे तब उन्होंने बोला कि हाँ बना सकते हो आप लोग वीडियो कैमरे से, और जब थोड़े दिन बाद उन्होंने मना कर दिया कि आप ना कैमरे से नहीं बना सकते, आप अपना एडवांस जो आपने दिए ना पैसे, जो आपकी फ़ीस है, वो आप रिफ़ंड ले सकते हो। तो अब मैं वो सोच रहा हूँ रिफ़ंड ले लूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो भाई सबसे पहले हम कर रहे हैं बाइसेप्स, तो इसके अंदर हम करेंगे वो अपना कंप्लीट हो गया, और हम करेंगे सबसे पहले बारबेल से 50 रैप परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वर्कआउट जैसे हम स्टार्ट करेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले कर रहे हैं ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स, जिसके अंदर हम लेंगे 4 सेट, और इसके रैप मैं बता दूंगा आप लोगों को, इसके रैप रहेंगे पहले 15, उसके बाद 12, उसके बाद 8 और 6, और सारे सेट के अंदर हमने हैवी जाना है जितना जा सकते हैं हम हैवी। स्टार्ट ही हमें हैवी से करना है कि इतना हैवी उठाना है कि हमारे 15 रैप निकले आराम से, उसके बाद हम निकालेंगे 12, फिर 8 और 6। So let's go. Blast tasteful bars and pass, I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. So guys, abhi maine mare 17 ke dumbbell se 12 rap, iske baad hum marenge 20 ke dumbbell se 8 rap, uske baad lenge 25 ka, jiske hum lenge 6 rap. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet now. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed. Sardiyan chal rahi hai, acha size gain ho jayega jitna zyada heavy weight maroge. ये नहीं कि आप इतना हैवी वेट मार रहे हो आपकी पोजीशन सही नहीं हो, थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है, बट ये नहीं कि आप पूरी चीटिंग कर रहे हो। तो हैवी वेट मारो अगर आपको गेंद चाहिए अपने बॉडी के अंदर। तो भाई यहाँ प्लान चेंज हो गया, पहले मार रहा था 25 से, बट अब मार रहा हूँ मैं 30 से, 30 से मैं फर्स्ट टाइम मार रहा हूँ, देखते हैं कितने सही आते हैं कितने गलत आते हैं। 4 Ridiculous, I'm spitting this, meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live society. First time 30 का डंबल उठाया था मैंने बाइसेप्स के अंदर, तो ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, थोड़ी सी बैक टेढ़ी हुई मेरी, बट कोई बात नहीं। अगर आपको वेट हैवी करना है मतलब इंक्रीज करना है, थोड़ी बहुत चीटिंग करनी पड़ती है, बस यही है। कुछ लोग दिखाते हैं वीडियोस में, कुछ लोग नहीं दिखाते, तो मैं उनमें से उन्हें दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ऐसे आए हैं, थोड़ा चीट करा है, ऐसे करा वैसे करा। बाकी वर्कआउट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो बॉडी झेल लेती है अगर कोई छोटी मोटी इंजरी भी आए तो। भाई सब हम मार रहे हैं फ्रीचर, वैसे ही सेट लेना है हमें 4 सेट, और वेट वैसे ही रखना हैवी, और रैप 12, 15, 8, 6।
legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Repping honest as promise, try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a just doubt. Like yeah. A soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. Hammer kar le pehle. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. तो गाइस बहुत ज़्यादा पंप हो गए अपने बाइसेप्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स के लिए मैंने 3 एक्सरसाइज सब में हैवी वेट मारा है, इतना हैवी मारा है कि आज मेरी फट के 4 हो जाए, क्योंकि आज रात को तुम्हारे भाई ने किसी से मिलने जाना है। तो अच्छा पंप होना चाहिए ना बाइसेप्स पे। कहीं नहीं जाने वाला, घर पे ही, टेंशन मत लो। कौन से No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है, जब मतलब बाइसेप मार लो उसके बाद ट्राइसेप लगते नहीं है। I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. So guys, finally gym light chale gaya. तो गाइस अंधेरे में भी जरावर जी रुक नहीं रहे हैं, क्या करें भाई। मेरे भैया को डंबल नहीं मिल रहे, अंधेरी गुप्त अंधेरी रात होने मिल गया, भैया को प्राप्त हो चुका है। और हमारी हमेशा की तरह भल्ला भाई सेट मार के फोन पे लग गए हैं। स्नैपचैट भी देखनी जरूरी है यार। हमारी भाभी से बात करते हैं। भाभी कौन सी? भाभी कौन सी? कोई नहीं भाई, तुम्हारा सिंगल है। स्नैप पे इतनी लड़कियां आ गई हैं, इतनी लड़कियां आ गई, किस किस को देखूं समझ नहीं आ रहा। भल्ला भाई आपको एक चीज गुप्त रोग बताता हूं, गुप्त रोग डम्बल जाकर भाई। भाई स्नैपचैट में बहुत लड़कियां मार रहे हैं भाई, सिंगल बहुत ऐड हो गई। ओह माय गॉड, सच बोला, सच बोला, सच बोला, इतनी खुशी, सच बोला मैंने।
तो गाइस वर्कआउट करके घर आ गए हैं और काफी अच्छा वर्कआउट रहा आज का। तो काफी कुछ आप सीख गए होंगे कि मैंने आज क्या करा है। तो आप लोग भी वो चीज ट्राई कर सकते हो जो मेरा वर्कआउट प्लान है। इसका हैवी जाना है, जितना हैवी हो सके उतना हैवी जाना है। बेल्ट डाल लेना, सबसे बड़ी चीज बेल्ट। मैं अपने घर पे भूल गया था आज, इसलिए मैंने डाली नहीं। बेल्ट डाल लेना जब भी आप हैवी मारो। एक मिनट में कार पार्क कर दूं, फिर आपसे बात करता हूं। और एक और चीज, काफी लोग ये बोल रहे हैं भाई इसकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे बन गई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इसका फेस खराब हो गया। फेस की मैं एक बात बता दूं, हम लोग हैं जिम वाले बंदे, ठीक है। एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, ज्यादा चीजें खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे फेस के ऊपर आती है। मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है मैं कब से वर्कआउट करता आ रहा हूँ और मैं कितना टाइम से कितनी मेहनत करता हूँ और मैं कब कब जिम जाता था, कब कब नहीं जाता था, मतलब कब स्किप करता था, कब नहीं करता था, सब कुछ आप लोगों को पता है। सबसे ज्यादा कमेंट्स थे इस चीज के कि पापा को दिखाओ अपने व्लॉग में, तो मैंने दिखा दिए। अब जो ये छोटा सा इंट्रो था, अब बोलने वाला जो मतलब पूरा अच्छे से व्लॉग आएगा जिसके अंदर हम बातें बातें करेंगे, वो मैं अलग से बनाऊंगा। तो गाइज मेरे पूरे दिन का सबसे लास्ट काम इसको घुमाने का, जो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और ये मुझे खींच रहा है बार बार, क्योंकि इसको ना डॉगी दिख रहा है एक सामने। तो यही थी आज की वीडियो। और डैड देख लिया आपने मेरे, अब मुझे कमेंट मत करना बार बार कि आप डैड को क्यों दिखाते, साथ ही होते हैं हर एक चीज़ में, बट वो ना कहते हैं कि मेरे को अभी वीडियो में नहीं आना। बाकी आप लोगों को जानना था कौन है, अब तो आप देख ही लिया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।